सुशांत केस में सुप्रीम कोर्ट में रिया चक्रवर्ती का नया हलफनामा, बिहार में दर्ज FIR को बताया गैर कानूनी, केस मुंबई ट्रांसफर करने की मांग। सुप्रीम कोर्ट में रिया की दलील, सुशांत के पिता के आरोप बेबुनियाद, अगर फैमिली को रोकती तो बहन मेरे साथ कैसे थी। बिहार सरकार को CBI की जांच सौंपना गलत, सुप्रीम कोर्ट में रिया की दलील, अगर कोर्ट केस CBI को देता है तो दिक्कत नहीं। सुशांत केस में सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार की लिखित दलील, पटना में कानून के तहत FIR हुई है। सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार की दलील, मुंबई पुलिस ने बिहार पुलिस की मदद नहीं की। सुशांत के परिवार के सवालों पर बोले संजय राउत, सुशांत की फैमिली को चुप बैठना चाहिए, जांच पूरी होने का इंतजार करें। सुशांत की बहन श्वेता ने एक वीडियो के जरिए इंसाफ की मांग की, श्वेता ने हर हाल में CBI जांच की मांग की, कहा सबको जानने का हक है सुशांत के साथ क्या हुआ। ED की पूछताछ में रिया चक्रवर्ती पर बड़ा खुलासा, सुशांत ने अपनी कंपनी में बहन प्रियंका सिंह को नॉमिनी बनाया, बहन को नॉमिनी बनाने पर रिया ने आपत्ति जताई। ED की पूछताछ के दौरान CA ने ED को जानकारी दी, ED ने CA को पूछताछ के लिए बुलाया था। सुशांत के परिवार ने एक वीडियो भी शेयर किया, वीडियो में गाना गाते हुए गाड़ी चलाते दिख रहे सुशांत। ईमानदार करदाताओं को प्रधानमंत्री मोदी की सौगात, आज लॉन्च किया नया टैक्स प्लेटफॉर्म, बोले ये न्यू इंडिया का मॉडल है। टैक्स पेयर चार्टर आज से लागू, बोले प्रधानमंत्री मोदी, सीमलेस, पेनलेस और फेसलेस होगा नया सिस्टम। प्रधानमंत्री ने कहा ईमानदार टैक्स पेयर की राष्ट्र निर्माण में बड़ी भूमिका, ईमानदार टैक्स पेयर से देश आगे बढ़ता है। नए भारत के नई गवर्नेंस मॉडल का प्रयोग, मोदी ने कहा देशवासियों के जीवन में सरकार का दखल कम होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने टैक्स सिस्टम में बदलाव की 4 बड़ी वजह गिनाई, बोले टैक्स को लेकर बेवजह मुकदमेबाजी कम होगी। प्रधानमंत्री ने कहा इनकम टैक्स का नोटिस फरमान की तरह बन गया था, नया टैक्स सिस्टम में प्रभाव और दबाव बनाने के लिए नहीं मिलेगा मौका। प्रधानमंत्री ने कहा नए बदलाव का लोग स्वागत कर रहे हैं, समय के साथ हमें अपडेट होना चाहिए। मोदी ने कहा बीते 6 सालों में 2.5 करोड़ टैक्स पेयर बढ़े, कोरोना काल में भी रिकॉर्ड विदेशी निवेश आया। जम्मू कश्मीर के लिए मोदी सरकार का नया प्लान, हाईटेक श्रीनगर बनाने की तैयारी, डल लेक के लिए भी बन रही है योजना। जम्मू कश्मीर पर नए प्लान का जल्द होगा ऐलान, हाईटेक श्रीनगर को बनाने में कश्मीर के आर्किटेक्चर को ध्यान रखा जाएगा। ड्राफ्ट को अंतिम रूप देने में जुटा केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय, पर्यावरण के उच्च मानकों का ध्यान रखा जाएगा। राजनाथ सिंह ने आत्मनिर्भर भारत सप्ताह समारोह में लिया हिस्सा, रक्षा उत्पादन में स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने के लिए 101 आइटम्स की लिस्ट जारी की। विदेश मंत्री एस जयशंकर की मालदीव्स के विदेश मंत्री के साथ हुई बातचीत, COVID-19 महामारी ने दोनों देशों को करीब लाया। भारत और मालदीव के बीच रेगुलर जहाज सेवा की शुरुआत, भारत ग्रेटर माले कनेक्टिविटी परियोजना को लागू करने में मदद करेगा। बगावत खत्म करने के बाद कांग्रेस विधायक दल की बैठक में बदलाव, अब शाम को 5 बजे CM आवास पर होगी मीटिंग। पायलट की वापसी के बाद बदले गहलोत के सुर, कहा दोस्त वापस आए, मतभेदों को दूर करके जनता की सेवा करेंगे। गहलोत ने कहा विधायकों का परेशान होना स्वाभाविक, लोकतंत्र बचाने के लिए संयम रखना पड़ता है। कांग्रेस विधायक दल की मीटिंग से पहले बोले गहलोत, ED, CBI, इनकम टैक्स, जुडिशियरी का हो रहा है दुरुपयोग। राजस्थान BJP विधायक दल की बैठक, कल से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र पर मंथन। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने लिखा कमजोर सरकार है और विपक्ष मजबूत तो लोकतंत्र बचेगा, लेकिन कमजोर विपक्ष से लोकतंत्र नहीं बच सकता। आम आदमी पार्टी ने पूर्व विधायक जर्नैल सिंह को सस्पेंड किया, हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ पोस्ट करने का आरोप। बेंगलुरु हिंसा का सबसे नया CCTV वीडियो सामने आया, 2 लोगों को बंडल देता दिखा एक स्कूटर सवार। 11 अगस्त की रात का है CCTV वीडियो, बेंगलुरु में पैसे देकर दंगा कराने का शक। पुलिस सूत्रों के मुताबिक हिंसा में पुलिस की गोली से मारे गए 3 में से 1 युवक की जेब में मिला गांजा, पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है। पुलिस बेंगलुरु के दंगाइयों की पहचान कर रही है, पुलिस ने कहा हिंसा के नुकसान की वसूली दंगाइयों से होगी। बेंगलुरु दंगे में पुलिस ने दर्ज की 3 FIR, 1 FIR नवीन के खिलाफ, बाकी 2 दंगाइयों के खिलाफ। PSI राघवेंद्र की शिकायत में चौंकाने वाले खुलासे, कई पुलिसकर्मियों को धमकी दी गई, पुलिस फोर्स से बंदूक छीनने की कोशिश हुई। दंगा प्रभावित इलाकों में RAF का पैदल मार्च, प्रशासन अलर्ट, 15 अगस्त सुबह 6 बजे तक लगाई गई धारा 144। हिंसा प्रभावित इलाकों में भेजी जा रही है CRPF की 6 कंपनियां, हिंसा में 3 लोगों की मौत हुई। कर्नाटक सरकार ने बेंगलुरु हिंसा को बताया सोची समझी साजिश, कहा बेंगलुरु में और जगहों पर हिंसा की भी प्लानिंग थी। कर्नाटक के राजस्व मंत्री के मुताबिक विधायक को खत्म करने के मकसद से हुआ हमला, हमले के वक्त घर पर नहीं थे कांग्रेस के विधायक। एक भड़काऊ पोस्ट के बाद सैकड़ों की भीड़ ने बेंगलुरु में कांग्रेस विधायक के घर के अलावा DJ हली पुलिस थाने पर बोला था हमला। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास को कोरोना, सांस लेने में हो रही है परेशानी, कल मथुरा में जन्माष्टमी महोत्सव में शामिल हुए थे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी ने मथुरा के DM से बात की, मेदांता हॉस्पिटल में डॉक्टर नरेश त्रिहान से योगी ने बात की। कोरोना का देश में नया रिकॉर्ड बनाना जरूरी, जारी, एक दिन में सामने आए रिकॉर्ड 67,000 नए केस, संक्रमितों की संख्या 23,97,000 के करीब। कोरोना से एक दिन में 942 लोगों की मौत, कोरोना से मौत में 4th नंबर पर भारत। 12 अगस्त तक 2,68,00,000 से ज्यादा टेस्ट, सिर्फ बुधवार को ही 8,30,000 से ज्यादा टेस्ट हुए। महाराष्ट्र में एक दिन में 12,712 नए केस, मरीजों की संख्या 5.5 लाख के करीब। मुंबई में कोरोना से एक दिन में 1,132 लोग संक्रमित, 50 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना महामारी ने 3 और पुलिसकर्मियों की जान ली, अब तक जानलेवा वायरस के शिकार हुए 124 पुलिस वाले। महाराष्ट्र के अहमदनगर में एक एम्बुलेंस में 12 कोरोना मृतकों के शव ले जाए गए, स्वास्थ्य मंत्री ने सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया। गुजरात में एक दिन में कोरोना के 1,152 मरीज, 18 की मौत।
दिल्ली में एक दिन में 1113 मामले, 14 और लोगों की मौत हुई। दिल्ली में फर्जी महिला सब इंस्पेक्टर गिरफ्तार, कोरोना एसओपी के उल्लंघन में चालान कर रही थी। यूपी में पिछले 24 घंटे में 4583 नए केस, 55 मरीजों की मौत। राजस्थान में आज कोरोना के 608 नए केस, संक्रमितों की संख्या बढ़कर 56,000 के ऊपर। पश्चिम बंगाल में आज 2,936 केस, 54 लोगों की मौत। आंध्र प्रदेश में कोरोना ग्राफ 2.5 लाख के ऊपर, एक दिन में मिले 9,597 नए मरीज, 93 की मौत। कर्नाटक में कोरोना ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, एक दिन में 7,883 नए केस, 113 की मौत। तमिलनाडु में कोरोना से एक दिन में फिर से 100 से ज्यादा मौतें, 24 घंटे में 5,871 नए केस। चेन्नई में पुलिस की नेक पहल, 40 पुलिसकर्मियों ने प्लाज्मा डोनेट किया। तेलंगाना में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1931 मामले, 11 मरीजों की मौत। हैदराबाद में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने किया राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, पीपीई किट पहनकर आए थे प्रदर्शनकारी। रामेश्वरम में सलून के कारोबार पर कोरोना की मार, कोरोना संक्रमण के फैलने के डर से नहीं आ रहे हैं ग्राहक। दिल्ली में 74वें स्वतंत्रता दिवस परेड के लिए फुल ड्रेस रिहर्सल, लाल किले पर तैयारियां भी शुरू। कोरोना काल में मास्क पहने नजर आए सुरक्षा बल के जवान, कोरोना एसओपी का पालन, आसपास की सड़कों से ट्रैफिक डायवर्ट। जम्मू कश्मीर में स्वतंत्रता दिवस की जोरों पर तैयारियां, श्रीनगर में शेर ए कश्मीर स्टेडियम में परेड के लिए फुल ड्रेस रिहर्सल। भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में स्वतंत्रता दिवस परेड के लिए फुल ड्रेस रिहर्सल, कोरोना एसओपी का पालन। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया ने वेस्टर्न एयर कमांड के में फ्रंटलाइन एयरबेस का किया दौरा, MiG-21 बाइसन उड़ाया। सुदीक्षा भाटी के परिवार वालों के समर्थन में किसान यूनियन, मामले की CBCID से जांच और पीड़ित परिवार को 5 करोड़ मुआवजे की मांग। गोरखपुर की लड़की की मदद के लिए आगे आया एक्टर सोनू सूद, पुजारी की बेटी की सर्जरी कराई। पैर में लिगामेंट फ्रैक्चर के बाद प्रज्ञा मिश्रा ने सोनू सूद से मांगी थी मदद, गाजियाबाद के एक हॉस्पिटल में डॉक्टर अखिलेश यादव ने मुफ्त में सर्जरी की। दिल्ली के मानेकशॉ रोड पर जल भराव, सड़क पर पानी जमा होने की वजह से थमी गाड़ियों की रफ्तार। मानेकशॉ रोड पर लगा लंबा जाम, गाड़ियों को निकलने में आधे घंटे से ज्यादा का वक्त लग रहा है। तुगलकाबाद इलाके में भी जल भराव की वजह से ब्रिज के नीचे फंसी एक बस, JCB की मदद से बस को निकाला गया। दिल्ली में बारिश से जगह जगह जाम, ITU के पास भी ट्रैफिक में फंसे लोग। दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर जाम, सड़क पर रेंगती नजर आई गाड़ियां। गुरुग्राम में माता मंदिर रोड दरिया में तब्दील हुई, लोगों को आने जाने में परेशानी। विजय चौक इलाके में भी बारिश ने रोकी रफ्तार, दिन में ही लाइट जलाकर गाड़ी चलाते नजर आए लोग। दिल्ली में जखीरा इलाके के अंडरपास में पानी भरा, आधी गाड़ी डूबी, धक्का देकर लोगों ने कार को बाहर किया। तुगलकाबाद में पानी में फंसी बैलगाड़ी के बैलेंस बिगड़ने से गिरे लोग। बारिश की वजह से एयरपोर्ट रोड पर पानी, जल भराव की वजह से धीमी पड़ी ट्रैफिक की रफ्तार। धौलाकुआं में भी जल भराव, सड़क पर पानी जमा होने की वजह से लोग परेशान। गुजरात के राजकोट में ब्रिज के नीचे फंसी बस, JCB से बचाई गई। इडुक्की में घटनास्थल का जायजा लेने पहुंचे CMP विजयन। राजमहल इलाके में लैंडस्लाइड की चपेट में आने से 55 लोगों की जान गई। केरल के कोट्टायम में जमा हुआ बारिश का पानी, बाजार समेत घरों में पानी भरा। उत्तराखंड के चामोली में भारी बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ा, लैंडस्लाइड की वजह से बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर गाड़ियों की आवाजाही रुकी। देहरादून में भारी बारिश, कई इलाकों में बारिश की वजह से पानी जमा हुआ, मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। उत्तरकाशी में कई इलाकों में लैंडस्लाइड, गंगोत्री हाईवे पिछले 30 घंटे से बंद। पिथौरागढ़ के धारचूला में लैंडस्लाइड से एक दर्जन से ज्यादा परिवार प्रभावित, दूसरी जगहों पर शिफ्ट हुए कई परिवार। उत्तराखंड के बागेश्वर में भारी बारिश से रास्ते बंद, घरों में घुसा पानी, रास्ते खोलने के लिए मशीनों का इस्तेमाल। भारी बारिश के बाद उत्तराखंड के शारदा बैराज में पानी का लेवल बढ़ा, भारत नेपाल बॉर्डर पूरी तरह बंद। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में सतलुज नदी में बाढ़ का पानी अचानक बढ़ने से 3 युवक फंसे, पुलिस की टीम ने बचाया। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में भारी बारिश के बाद हालात खराब, NH-5 पर अस्थायी पुल बहा। ओडिशा के मलकानगिरी में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, कई इलाके पानी में डूबे। इमरान खान पर भड़के जावेद मियांदाद, सियासत में इमरान खान को चैलेंज करने का ऐलान किया। ढाक क्रिकेट टीम में मैं था इमरान का कप्तान। बैरूत में ब्लास्ट के दौरान अस्पताल की तस्वीरें आईं, अस्पताल की रिसेप्शन से लेकर ICU तक तबाही मची। स्कॉटलैंड में खराब मौसम के बाद ट्रेन पटरी से उतरी, 3 की मौत, 6 घायल। हादसे के बाद ट्रेन के कई डिब्बे खाई में गिरे, एयर एम्बुलेंस और हेलीकॉप्टर की मदद से घायलों को अस्पताल ले जाया गया। और अमेरिका के एंजेलिस नेशनल पार्क में भीषण आग, करीब 7,000 एकड़ में फैली आग।